चैनल। कैसे हैं आप? आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी 10 बज रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कपड़े कितने फैले हुए हैं। एक्चुअली ना मैं कपड़े निकाल रही थी पहनने के लिए, तो मैं सोचा साड़ी पहन के जाते हैं, क्योंकि जाते हैं मतलब कहाँ, चलिए बताती हूँ। आज अध्यक्ष का एक वैक्सीन लगनी है, तो और दो तो ऑलरेडी लग चुकी हैं, तीसरी अब लगनी है। तो आज जाना है हॉस्पिटल, सरकारी वाले अस्पताल में, वही जाएंगे लगवाने। और ये जो कपड़े हैं इसलिए फैले हुए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी पहनूंगी। अब सबसे पहले मैंने निकाली थी ये रेड साड़ी, तो इसका ना ब्लाउज बहुत टाइट था, तो फिर इसको छोड़ दिया मैंने, सर ये नहीं पहनते हैं। फिर मैंने निकाली थी ये पिंक वाली साड़ी, जो कि बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा कपड़े वाले हैं। तो इसका ना पेटीकोट नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो ब्लैक लगा लेते हैं। तो मैंने ये ब्लैक वाला भी लगाया, तो ब्लैक उसमें ऑड दिख रहा था। फिर मैंने सोचा चलो पिंक लगाते हैं, ये लाइट वाला पिंक था मेरे पास, तो ये भी एकदम ऑड दिख रहा था। फिर मैंने ये दोनों चीज़ें कैंसिल कर दी, दोनों साड़ियाँ। तो मैंने ये नहीं पहन रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इसका पेटीकोट है ही नहीं, तो जब आएगा तब पहनूंगी। फिर मैंने सोचा चलो कुर्ती डालती हूँ, वो वाली कुर्ती जो पड़ी हुई है, ये पीछे सामान रखा है जो कि खोल के लगाना है अलमारी में, वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो मैंने कल कर लिया था, जो ये ब्लू वाली अलमारी है उसको तो लगा लिया है, और ये वाली अलमारी ठीक करनी है। तो ये जो कुर्ती है ये वाली, तो सर ये पहन के जाए, मैंने ये पहन ली एकदम ठीक हुई, बढ़िया मस्त सी कुर्ती, लो ढक जाके आधा झूला झुलाना उसको, गुड। तो जी ये कुर्ती अच्छी से हो गई थी मुझे, लेकिन इसके साथ पहनने के लिए लेगिंग्स मेरे पास नहीं थी, ना ही मेरे पास ग्रीन है, ब्लू है, ना ही ये इस कलर का मस्टर्ड वाला है, तो ये भी रह गई। फिर क्या करूँ? अब मैंने ब्रदर से बोला कि मैं क्या पहनूँ, बोलते भाई इतने कपड़े हैं, कपड़े ही सूट कोई पहन लो, कुछ भी पहन लो, अभी जा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ये लॉन्ग कुर्ती पहनी है, इसके साथ ये लेगिंग्स एक डाल लिए, तो ठीक हो गया। तो ऐसा किया था आज मैंने, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो शेयर करना मेरे साथ, क्योंकि आज मेरे साथ जो हुआ ना थक गई, एक तो बच्चा को देखने, तो बेबी रो रहा था उस टाइम, सुबह 8:30 करीब का टाइम था, तब मैं ये सब कर रही थी। और अभी तो हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं दक्ष को लेकर, तो दक्ष को भी रेडी कर दिया है मैंने, तो अभी दिखाती हूँ मैं दक्ष को कि कैसे लग रहे हैं हमारे दक्ष। तो जब तक मैं लौट के आऊँगी उस तब तक मैंने एक फेस पैक अप्लाई किया था अपने चेहरे पे, आप वो वीडियो देखिएगा कि जो मैंने फेस पैक लगाया था वो कितना अच्छा है, और गर्मियाँ हैं इसमें तो आपके लिए बेस्ट है वो, और उसका रिव्यू भी मैंने शेयर किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलिए मैं होकर आती हूँ, पहले दक्ष को दिखाती हूँ, फिर उसको हॉस्पिटल से वैक्सीन लगवा के आती हूँ, तब तक आप वो क्लिप एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे वापस आकर, ओके बाय। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ये गुड वाइव्स रोज पेटल पाउडर का। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको अपने जो पर्पल हॉल दिखाया था उसमें कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे, तो उनमें से ही एक ये गुड वाइब्स का रोज़ पेटल पाउडर है जो कि मुझे रिसीव हुआ था, तो मैं आज इसका प्रॉपर रिव्यू देने वाली हूँ। तो ये हर स्किन के लिए अच्छा होता है, यानी हर स्किन के लोग इसको यूज कर सकते हैं, बस इसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है हर स्किन वालों के लिए, यानी ड्राई स्किन वालों के लिए दूसरा और ऑयली स्किन वालों के लिए दूसरा। मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई स्किन है, तो मैं ड्राई स्किन की तरीके से इसे अप्लाई करूँगी। इसमें सारा मेंशन किया हुआ है कि ड्राई स्किन वाले क्या क्या यूज मिलाएं इसमें, और ऑयली स्किन वाले इसमें क्या क्या मिला सकते हैं। तो मेरी तो ड्राई है, तो मैं अपने तरीके से करने वाली हूँ इसको। तो चलिए इसका फेस पैक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं, और इसके बारे में पूरी डिटेल देते हैं। तो चलिए पहले फेस पैक बना लेते हैं, चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताती हूँ। एक बाउल लीजिएगा, और ये रोज पेटल पाउडर है वो एक चम्मच लीजिए अपने फेस पे लगाने के लिए, एक चम्मच काफ़ी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मलाई, आप चाहे तो कर्ड यानी दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप दही से भी इसको मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर्ड लिया, सॉरी मलाई ली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देन
गाइस फेस पैक अप्लाई करने के लिए रेडी है और ये जो बॉटल है वो 30 ग्राम की है। ये गुड वाइब्स के और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। 30 ग्राम की ये बॉटल है और इसका प्राइस 105 रुपीज है। आपको purpa.com पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरे लिंक के थ्रू लेंगे आपको 100% आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो इसमें पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट है ये। तो आप चलिए इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। तो अब सबसे पहले आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए और मेरे बाल खुले थे तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया है। उसके बाद कोई भी इस पर मेकअप नहीं होना चाहिए। आप कोई भी क्रीम लगाए हो या कुछ भी लगाए हो आप पहले फेस को वॉश करिएगा। मैंने बिंदी हटा दी है। मेरे लिप्स पे बस थोड़ी सी लिपस्टिक है, अदरवाइज और मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको हाथों की हेल्प से लगा रही हूँ बिकॉज मेरा जो पैक लगाने वाला ब्रश है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। इतने दिन बाद जब घर आई हूँ तो कुछ चीज़ें मिल नहीं रही इधर उधर, तो मैं हाथ से अप्लाई कर रही हूँ इसको और इजीली लग भी जा रहा है। इसको ड्राई करना है, ड्राई करने तक रखना है। बिल्कुल प्रॉपर ड्राई नहीं होगा ये क्योंकि ये मलाई है, इतनी जल्दी प्रॉपर ड्राई नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको 10-12 मिनट इसको अपने फेस पे रखना है। इसको 10-12 मिनट फेस पे रखने के बाद आप इसको स्क्रब करते हुए इसको साफ कर लीजिएगा और साफ पानी से, नॉर्मल पानी से इसको धुल लीजिएगा। रोज आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में काम आता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और ये जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट होते हैं वो सच में गाइस बहुत ही अच्छे होते हैं। आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने पर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। तो मैं पूरा नेक वगैरह पे भी लगा ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ था, तो पूरे फेस और नेक पे भी अप्लाई हो गया है। अब कुछ देर से रखेंगे और देन उसके बाद नॉर्मल पानी से इसको धुलकर वॉश कर दे। सब करते हुए मैं इसको साफ करूंगी और उसके बाद इसको धुल लूंगी। धुलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा असर किया है फेस पे। जो थोड़ी सी जो चमक है वो आ जाएगी। ऐसे एक दिन में आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। रेगुलर आपको वीक में 2 या 3 बार आप इसको यूज कीजिए, अपने फेस पे लगाइए। आप इसी तरीके से लिप पर भी लगा के स्क्रब कर सकते हैं इससे। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन सा चेहरा हो गया है। और हाँ, कम उम्र वाले जो टीनेजर होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे कहने पर। इसका लिंक बाय लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप लोग को अगर खरीदना है तो लिंक पे क्लिक कीजिएगा और इसे बाय कीजिएगा और अपने फेस को भी मतलब ग्लोइंग बनाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। दक्ष रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो वैक्सीन लगवाने के लिए हम लोग आज जा रहे हैं दक्ष को लेकर। आज मैंने दक्ष को पहली बार ये सैंडल भी पहना दी है, बिल्कुल हल्की है, ऐसे ही नाम की होती है ना कि छोटे बच्चों की, न्यू बॉर्न बेबी की। तो बस वो है, ये रेड वाला सूट पहना दिया है जो कि धुल धुला कर रख दिया था, शादी में पहना था उसने ये वाला सूट। तो चलिए चलते हैं और लेके इनकी वैक्सीन लगवा कर फिर लौट कर आते हैं। हंसी आ रही है बाबू को, बाबू को अच्छी आ रही है बात। तू ना हो बहुत बातें आती थी तुमको, दादी बातें करती थी तुमसे, बुआ बातें करती थी और मोची ने भी बहुत ज्यादा बातें की हैं, इसलिए तुमको बहुत बातें आती हैं। अगर मम्मा बातें नहीं करेगी तो तुम लोगे, इसलिए मम्मा को भी बातें करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल करनी पड़ती है। बाहर जा रहे हैं, तुमको उड़ा लेंगे, मास्क लगाएंगे वो भी भैया के भी लगेगा और आद्या ने भी लगाया है। आद्या ये देखो, आद्या ने भी मास्क लगाया है और मैं भी लगाऊंगी, है ना बाबू, मैं भी लगाऊंगी। चले मास्क लगा दूं फिर चलते हैं। दांत निकाल के आ चले दांत। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं वैक्सीन भाई बाबू को लगवा कर घर आ भी गई हूँ। और जाते टाइम मैंने सूट नहीं किया था क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, बिल्कुल गेट से निकलते हुए नहीं सूट किया था, लेकिन आते टाइम मैंने सूट कर लिया है। तो ये आ गए हैं और थोड़ा सा ही रोए थे, उसके बाद हम लोग वापस ले आए तो ये चुप हो गए हैं रास्ते में। तो आप ये देखिए, अब मैं इनको जाके लिटाऊंगी और लगूंगी खाना बनाने में।
सो गाइस मैंने अपने हाथों को ना नीचे ही सैनिटाइज कर लिया था, आते ही जैसे मेन गेट है नीचे का वहाँ आएंगे अंदर तो वहीं पर सैनिटाइजर रखा हुआ है, मैंने सैनिटाइज कर लिया था। और मैंने फिर से भी कुछ भी टेस्ट नहीं किया था, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए और सबकी सेफ्टी के लिए खुद को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी था। तो आई हूँ मैं और अध्यक्ष को यहाँ लिटा दिया है, मैं जा रही हूँ फटाफट खाना बनाने। तो मैं कुकर में ना अरबी चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए, जैसे उबल जाती है तो अरबी की सब्जी बनाएंगे। अरबी उबल चुकी थी, मैंने इनको छील भी लिया है, हरी मिर्ची भी काट ली है, कढ़ाई में रख दिया है, कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, ऑयल डाल के इसको तड़का देंगे। नॉर्मली जैसे अरबी मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँ, साथ में मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, बिकॉज अरबी मैं कम खाऊंगी, नाम की मैं अरबी खाती हूँ, मतलब नाम की मतलब थोड़ी सी मैंने ले ली थी अरबी खाने के लिए, क्योंकि अरबी बादी होती है, बच्चा फीड करता है तो उसके पेट में दर्द होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बादी की चीज़ें मैं नहीं खाऊंगी, जो माँ फीड कराती है बच्चे को वो बादी चीज़ें नहीं खाती है। तो अजवाइन से मैंने अरबी को छौंका है, आप किससे छौंकते हैं मेरे साथ शेयर करना। तो मैंने ये अरबी सिर्फ हस्बैंड के लिए और आद्या के लिए छौंकी है, मैंने थोड़ी सी ली थी, अपने लिए मैं आलू थोड़े से फ्राई कर लूँगी उससे खाऊँगी। इधर एक तरफ अरबी बन रही है, दूसरी तरफ मेरे आलू भी फ्राई हो गए हैं, तो फटाफट आटा लगाएंगे और रोटियां बनाएंगे गर्मा गर्म। तो ये देखिए अरबी में अभी कसर बाकी थी, तो ये देखिए पूरी हो गई है अरबी, इतना सा इसका रसा बचा हुआ है। तो ये अरबी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो फटाफट गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं, थाली लगाते हैं और खाते हैं। शाम का टाइम और मैंने दोपहर में ये दही में थोड़ी सी सूजी भिगो के रख दी थी, इसमें
मैंने बारीक बारीक प्याज कट कर दिया है, तो ये अच्छे से हो गई है। तो मैं थोड़ा सा नाम का इसमें सोडा डाल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा थोड़ा चुटकी भर डाल दूँ ताकि और अच्छे से ये फूल के बने। तो मैं इस कढ़ाई में जो खांडवा टाइप का होता है उसे बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और सरसों के दाने मैंने डाल दिए हैं, क्रैकर होने लगे हैं। उसके बाद मैं इसमें ये पूरा बैटर डाल दूंगी एक, और उसके बाद ढक कर इसको मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकने देंगे, एकदम धीमी आंच में इसको पकने देंगे। आप यहाँ पे करी पत्ता भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास करी लीव्स नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें। मैंने बैटर में आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, मेरे पास सिर्फ प्याज था, हरी मिर्ची भी है लेकिन मैंने नहीं डाली, टमाटर में भी मैंने डाला था इसमें, और चाय साथ में एक तरफ चढ़ा दी है। तो गर्मा गर्म चाय पियेंगे, एक ये खंडवा टाइप का बन जाएगा, तो आद्या को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आद्या को खिलाऊंगी ये, स्पेशली आद्या के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि आद्या ना रोटी भी आधी खाई थी, उसे पूरी रोटी नहीं खाई थी। फटाफट इसको बन जाने देते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो इसको मैं कट कर रही हूँ, आपके पास पिज्ज़ा कटर हो तो उससे कट करना, मैंने चाकू से कट किया है। तो अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी है, और सॉस से या ग्रीन चटनी से जिससे भी आप खाना चाहें उससे खा सकते हैं। तो यहाँ पे आद्या भी आ गई है अपना ये खंडवा देख कर खाने के लिए। मैंने चाय छान ली है और बड़े वाले पाव हैं वो लगा लिए हैं खाने के लिए। शाम के टाइम में कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूख लगी आती है। ये देखिए आद्या बहुत खुश है इसे देखकर, तो आद्या अपना ये लेकर चल देगी। थोड़ी सी चाय मैंने आद्या के लिए लगाई है, वैसे मैं नहीं देती हूँ लेकिन कभी कभी इसका मन करता तो मैं दे देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।